तो और एनिमे फैंस कैसे हो। तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट, सबके फेवरेट इताची के बारे में। और हाँ यार, ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, तो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। तो अब देरी ना करते हुए लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10, इताचीज नेम। तो क्या आपको इताची के नाम का मतलब मालूम था? इताची के नाम का मतलब होता है वीजल, और जैपनीज माइथोलॉजी के अकॉर्ड वीजल का मतलब होता है डेथ या फिर बैड लक। फैक्ट नंबर 9, किशिमोटोज़ फेवरेट। को मालूम था किशिमोटो का फेवरेट कैरेक्टर कौन है? ऑफ कोर्स इताची। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है पहले इताची का डिज़ाइन कैसा होने वाला था? इताची का डिज़ाइन पहले कुछ ऐसा होने वाला था, और हाँ, ये कुछ कुछ डांजो के डिज़ाइन जैसा भी है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता था इताची वन हैंड सील भी परफॉर्म कर सकता है? सीरीज़ में हमने इताची को ये बहुत कम बार करते हुए देखा है, पर हाँ, इताची वन हैंड सील भी परफॉर्म कर सकता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता था नारुतो सीरीज़ के 720 एपिसोड में से खाली 32 एपिसोड में इताची का अपेयरेंस हुआ है? फैक्ट नंबर 5, इताची ने अकात्सुकी ज्वाइन करने से पहले 53 डी रैंक, 152 सी रैंक, 134 बी रैंक, 0 ए रैंक और 1 एस रैंक मिशन किया था। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है इताची की लव इंटरेस्ट कौन थी? इताची की लव इंटरेस्ट थी इजुमी उच्चिया, और इताची ने इजुमी को मारने से पहले उसे 80 साल के गेंजुत्सु में डाल दिया था, और जैसे ही इजुमी गेंजुत्सु से बाहर आई, इताची ने उसे मार दिया। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है इताची ने अकेले ही निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट करा था, क्योंकि जो उसके टीममेट थे वो उसकी पावर और एबिलिटी से मैच नहीं कर पा रहे थे। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है इताची 7 साल की उम्र में निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट हो गया था? फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है किशिमोटो ने खुद ने कहा है कि इताची इज स्ट्रॉन्गर देन मादारा, और अगर इताची और मादारा की फाइट हुई तो इताची ही जीतेगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चाहो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।